नमस्कार। सुबह सुबह हम खुद को रिफ्रेश कर लेते हैं, बस 5 मिनट में ये चाय गुड़हल और दालचीनी की बनाकर पी लेते हैं। यह गुड़हल का फूल अगर आपके गार्डन में है तो आप इसको ज़रूर यूज करिए, चाय के लिए खूब स्वादिष्ट है। नहीं तो इस फूल को आप आसपास से संग्रह कर लीजिए। ऐसे सुंदर सुंदर रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर। गुड़हल दालचीनी चाय बनाने के लिए लेते हैं सामग्री। गुड़हल फूल के चाय के लिए हमने लिए हैं गुड़हल फूल 10 और चीनी 1/4 कप, नींबू का रस 1 चम्मच और दालचीनी 2 इंच। ये 10 फूल है गुड़हल का, इसका केवल हम पंखुड़ियों को यूज करेंगे चाय के लिए। तो हमने ये फूलों से पंखुड़ियों को अलग कर रहे हैं। अब इसको एक तरफ साफ करके रख रहे हैं सारे पंखुड़ियों को, और बीच का जो ये वाला हिस्सा है हम इसको फेंक देते हैं, हमें ये यूज में नहीं चाहिए चाय के लिए। आप ऐसे कंची में पीछे की तरफ से काट लीजिए, सीधा आपके फूल जल्दी से निकल जाएगा, पंखुड़ी हमारे अलग हो गया। अब ये फूल से हम पंखुड़ियों को अलग कर ली। अब फूलों का ये वाली जो हिस्सा है हम इसको फेंक देंगे, यूज में नहीं लेना है। अब इन पंखुड़ियों को अच्छे से हम धो लेते हैं, धोकर एक जगह अलग रख लिए। अब चीनी लेते हैं और पतीला में 1/4 कप चीनी हम डाल रहे। अब अपने स्वाद के हिसाब से चीनी कम कर सकते हैं। अब 1 मग पानी हम इस चीनी में डाल रहे, हमें 2 कप चाय आराम से मिल जाएगा। अब इसे गर्म करते हैं और चीनी को थोड़ा मिला लेते हैं। यहाँ हम 2 इंच की दालचीनी टुकड़ा डाल रहे हैं, जो हमारे स्वाद के साथ साथ गुणकारी भी है। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जो दालचीनी चीनी पानी सब अच्छे से धीमी आंच पे पकेगा तो स्वाद हमारे चाय में ले आएगा दालचीनी। 5 मिनट हो गया, हमारा चाय उबल गया है। अब गैस हम बंद कर देते हैं और ये धुले हुए पंखुड़ियों को अब डाल देते हैं चाय में। अब डालते ही इनको चम्मच में मिला लेते हैं पंखुड़ियों को। अब मिलाते ही ये पंखुड़ियाँ गाढ़ी हो जाएगा हमारे चाय, रंग छोड़ देगा पंखुड़ियाँ। अब देखिए हमारे चाय कैसा कलर हो गया है। चाय अब उतार लेते हैं। अब इसमें हम नींबू का रस यहाँ डालेंगे 1 चम्मच। देखिए नींबू का रस डालते ही हमारे चाय के रंग कैसे बदल गया। अब ये स्वादिष्ट और सेहतकारी चाय को हम छान लेते हैं। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे नए नए रेसिपी जब हम अपलोड करेंगे वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। अब चाय को छान लेने के बाद देखिए पंखुड़ियों का कैसे कलर हो गया है। अब इस चाय का हम आनंद लेते हैं, इसमें फ्रेश तुलसी डाल देते हैं। गुणकारी गुड़हल और दालचीनी की चाय बनके तैयार हो गया। मैं तो इसे पीने जा रही हूँ, आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। गुड़हल का फूल 10, चीनी 1/4 कप, पानी 1 मग और नींबू का रस 1 चम्मच, दालचीनी 2 इंच। फिर एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ मैं आऊँगी। धन्यवाद।